First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्ट्री आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस नॉर्थ आर से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में और आपको बता दें आज महिला संघर्ष संस्था की तरफ से रूता अवार्ड और फरीद नूरी और शादाब सर ऐसे तमाम लोगों ने आज मुमरा शहर में बढ़ते नशा को रोकने के लिए इस पर कैसे लगाम लगाया जाए इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि जो बच्चे नशा करते हैं और उन्हें जो है सुधार गृह में अगर डालना है तो वो इसके लिए संघर्ष संस्था से जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकायदा रूता अवार्ड ने एक नंबर भी इसके लिए जारी किया है और आप उनके ऑफिस में जाकर पत्र व्यवहार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको शहर में कोई भी नशे का कारोबार करता हुआ दिखाई दे या आप उसे जानते हैं तो उसका फोटो या वीडियो उसकी जो भी आपके पास प्रूफ है वो दस्तावेज आप महिला संघर्ष संस्था में जाकर आप दे सकते हैं और देने वाले की शिकायतकर्ता की किसी भी तरह की कोई भी जो है आइडेंटिफाई उसका पहचान जो है सार्वजनिक नहीं किया जाएगा वो गुप्त रखा जाएगा। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ रूता अवार्ड ने कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से मुमरा शहर में लगातार नशा बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए पूरे शहर को कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा और सबसे अहम जिम्मेदारी बच्चों के माँ बाप की है कि बच्चों के माँ बाप भी अपने बच्चों पर नज़र रखें कि उनके बच्चे कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं किससे मिलजुल रहे हैं इस पर नज़र रखना बेहद ही ज़रूरी है। बहरहाल आज हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है अभी थोड़े दिनों से शहर में जो कुछ ड्रग्स के बारे में थोड़ा मामला गरमाया हुआ था हम इसके ऊपर बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन आखिर में हमने सोचा कि थोड़े बड़े पैमाने पर इसके लिए हम कुछ कोशिश करेंगे लेकिन उसमें हम सबकी मदद चाहते हैं आप लोगों की। और जो लोग देखिए ड्रग्स की बुराई या उनको ख़त्म करके कुछ मतलब नहीं है हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स ऐसे लोग ऐसे घर वाले ऐसी फैमिलीज जिनके घरों में ऑलरेडी ये आ चुका है ये बुराई आ चुकी है वो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। आपके बारे में हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और हम आपके बच्चे को बच्ची को या कभी कभी बड़े भी इसमें जाते हैं तो हम हर उस बंदे को उसमें से बाहर निकालना चाहेंगे। उसके लिए अगर आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है वो अगर महंगे हैं अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए भी हम आपके लिए कुछ हेल्प करेंगे 100%। हमारे साथ बहुत से NGOs कुछ कुछ बिजनेसमैन वगैरह भी जुड़े हैं जो इन सब में हमारी मदद करना चाहते हैं और मैं एक ही अपील करूंगी जो इसमें नहीं गए हैं पहले से लेकिन ऐसे बच्चे जो शायद सोच रहे हों उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे स्कीम्स है स्पोर्ट्स की वगैरह जिसमें हम उनका ध्यान किसी ऐसे चीज़ की तरह बटाएंगे जहाँ पर उनकी एनर्जी अच्छी चीज़ों में यूज़ हो। लेकिन मैं पूरे हमारी टीम की तरफ से आइए फरीद भाई हमारे साथ में फरीद नूरी है ये मुस्तफ़ा भाई है हमारे शादाब खान है हम हमारी पूरी और पूरी हमारी संघर्ष की टीम की तरफ से हम आप सबको अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी आप हेल्प करें। आप किसी भी तबके के हो कोई भी प्रोफेशन से आप जुड़े हो आप कैसे भी किसी भी स्तर के हो समाज में लेकिन इस पूरी बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना होगा। बहुत बड़ा टारगेट है बहुत बड़ा टास्क है आसान नहीं है लेकिन अगर एक बार हमने ठान ली कि हमें कोई भी मुश्किल राह को पार करके मंजिल तक पहुंचना है तो हम 100% पहुंचेंगे बिकॉज हमारे विल हमारे इच्छा से ऊपर और कुछ भी नहीं है। सो ये मैं प्लीज़ अपील करना चाहूँगी और आज
मैं सारे हमारे पत्रकार भाइयों को बहनों को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो आज से हमारे मिशन में जुड़ना चाह रहे हैं। मैडम जी एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी पत्रकार ने या जागरूक नागरिक ने इन्फॉर्मेशन दे दिया और नशा माफिया नशेड़ियों को पता चल गया और उनसे वो लड़ने के लिए आ गए, उनके ऊपर हमला कर दिया या झूठा केस दर्ज करा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो उसमें आप हेल्प करेंगे? रिवील नहीं कीजिएगा ना, आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए संघर्ष पे 85887 नंबर है जी। और उसके बाद में आप, हम ये नहीं बताएंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। हम लोगों ने ऑलरेडी कहा, आप वो जो हेल्पलाइन नंबर पूरा जरा बता दीजिए, 2546-8587 2546-8587 ये संघर्ष का नंबर है। 12 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में आप कभी भी फोन कर सकते हैं, आप कुछ भी बताना चाहते हैं बताइए। आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, आपकी पहचान सामने ना आए, नहीं आएगी, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, बाकी रूता मैडम और हमारी संघर्ष की टीम उसके ऊपर जो और वो अभी MTNL की मेहरबानी से अगर वो नंबर चले तो गनीमत, अगर ना, थैंक यू, अगर ना चलता हो तो हमारा ऑफिस 24/7 एक्सेप्ट फॉर ईद और दिवाली छोड़ के हमेशा खुला रहता है। तो आप कभी भी आके, आप कुछ भी राइटिंग में भी देके जाएंगे तो भी आपके, हमारे पास CCTV नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी हम नहीं रिवील करेंगे। यहाँ पर हम किसी के खिलाफ, किसी से दुश्मनी निकालने को नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि सारा समाज एक हेल्दी समाज हो, हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी तरीके से तन और मन से हेल्दी हो और अच्छी हो। और एक और मैसेज देना था, लास्ट मैसेज, जो नशे का सामान बेच रहे हैं अगर वो मैसेज सुन रहे हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, संघर्ष की तरफ से, हम आपको फंसाना नहीं चाहते, हम आपको कोई पनिशमेंट या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। हम आपसे बात करेंगे आकर के, जैसे हमको मालूम पड़ेगा आपको समझाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे, और हम चाहते हैं कि आप समझ जाए ताकि कोई ज़बरदस्त सख्त कार्रवाई आपके ऊपर ना की जाए। हम चाहते हैं कि आपको समझाएं, हम आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहते, बस इस चीज़ से बाहर आइए, क्योंकि ये आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा, हमारे ही बच्चों को हम बर्बाद कर रहे हैं, आप थोड़ा समझदारी से काम कीजिए। फरीद भाई, जो आपने बताया कि अभी आप लोगों ने की टीम ड्रग्स के अलावा बच्चों को खेल कूद में भी मशगूल करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो करेगा? देखिए, हम जो खेल काफ़ी पीछे चला गया है, कबड्डी का जो एक बहुत अच्छा खेल था हेल्थ के लेवल से, हम उसको प्रमोट करेंगे। अब यहाँ कई टीमें हम अलग अलग वार्ड में बनाएंगे, क्रिकेट के हम कई मैच रखने वाले हैं, खोखो, इस तरीके के फिजिकल गेम जो हैं उसको हम यहाँ हमारे स्टेडियम में शुरू करने वाले हैं, जिसमें हर जगह से बहुत सारी टीमें बना के हम यहाँ मुकाबले रखाएंगे ताकि बच्चों का रुझान जो है खेल की तरफ आए। बच्चों को कैसे रागिब करेंगे, स्कूल से रब्ता करेंगे या वॉलंटियर्स? नहीं, हम अपने जो हर इलाके में हमारे वॉलंटियर्स हैं आपके माध्यम से, और हमारे इलाके में जो वॉलंटियर्स हैं हम वहाँ फॉर्म वगैरह भरवाएंगे, और इसको आप भी प्रमोट कीजिएगा, हमारे वॉलंटियर्स भी फॉर्म वगैरह करेंगे, अलग अलग टीमों का जो है वो बनाने का काम करेंगे।